Hey guys, welcome back to my YouTube channel Uni Classes. Today's our topic is how to focus on study. तो हम अपनी study पे focus कैसे करें? सभी के mind में ये बात चल रही होती है, चाहे वो student हो किसी school का, चाहे वो किसी college का student हो, या फिर अपने आगे के competitive exams की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी. Means सभी बच्चों के लिए ये video है, क्योंकि मेरा मानना है कि खाली स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ही ये एक ज़रूरी टॉपिक नहीं है, ये सभी के लिए ज़रूरी टॉपिक है कि हम अपनी स्टडी पर फोकस कैसे करें. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसमें आप सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमें अपनी स्टडी पे कैसे फोकस करना चाहिए. तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, वो चीज़ होता है ऑलवेज़ रिमेंबर योर गोल्स. यानी कि हमें हमेशा अपना जो गोल है, हमने जो अपना एम पहले से डिसाइड किया है, पहले से गोल जो है हमने बना रखा है, वो हमें हमेशा याद होना चाहिए. कभी भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तभी भी हमें वो चीज़ याद होनी चाहिए. अब हम पढ़ाई बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं कर पाते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पाता है. तो उस इंटरेस्ट को कैसे बनाएं? आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका आजकल की दुनिया में सबसे मेन चीज़ है आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन. इंटरनेट के यूज़ से आजकल सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन के साथ क्लोज हो गए हैं, और इस वजह से वो अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. मतलब कि उनको पता तो है कि उनका गोल क्या है, उन्होंने क्या चीज़ डिसाइड कर रखी है, लेकिन जब उनको मोबाइल फ़ोन दिखता है तो वो अपने गोल को साइड में कर देते हैं और मोबाइल फ़ोन को उठा लेते हैं. यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, चाहे तो हमें अपनी मनपसंद अच्छी चीज़ चुननी हो, जैसे कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि आपको इंस्टाग्राम चलाना है या फिर आपको उसके दूसरे, उसमें आपको एक अपना हार्ड सब्जेक्ट जो है, यानी कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, तो आपका माइंड हमेशा यही कहेगा कि आप इंस्टाग्राम की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है. ठीक है, उसमें हमें मज़ा आता है. लेकिन उसी तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को जो है उस पर बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने का ट्रेंड हो गया है, बिकॉज अब जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, बच्चों की खासकर ऑनलाइन स्टडी हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो क्लासेस के बहाने कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने फ़ोन लेकर ऑनलाइन क्लास के साथ साथ कुछ और भी चला रहे होते हैं, जिसके व्हाट्सएप का यूज़ कर लेते हैं बहुत से बच्चे, मैंने सुन रखा है बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, या फिर जो भी, मतलब आपके माइंड को जो चीज़ पसंद है आप उस तरफ जाते हैं. लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे माइंड को चीज़ पसंद है वही हमें बेनिफिट देगी, क्योंकि जिस टाइम पर, जो टाइम आपका पढ़ाई करने का, अगर आप उस टाइम पे पढ़ाई को दूर फेंक के कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं जो कि आपको बेनिफिट देगा ही नहीं, तो उसका तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं. इसी तरीके से मेरा कहना बस ये है कि आपको हर टाइम अपना जो गोल है वो रिमेंबर होना चाहिए, अपना गोल याद होना चाहिए. सोते हुए, बैठते हुए, उठते हुए आपको ये लगना चाहिए कि मेरा जो एक मिनट है वो भी बहुत कीमती है, उसको मेरे को वेस्ट नहीं करना. और सबसे अच्छी बात बताऊँ, अपने मोबाइल के साथ जो आपका एडिक्शन लग चुका है उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को आप ऐसा कर दीजिए, अगर आप पास रख के पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसकी नोटिफिकेशन की, हमारी नोटिफिकेशन की साउंड आती है तो हमारा फटाफट से मन करता है कि हम उठा के उसे चलाने लग जाएँ. इनफैक्ट पहले मैं भी ये करती थी, लेकिन अब से मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करूँगी, दूर रख दूँगी. चाहे तो मैं किसी दूसरे कमरे में रख सकती हूँ या फिर मैं उसको स्विच ऑफ कर सकती हूँ. और अगर स्विच ऑफ आपको करना नहीं है तो आप उसकी नोटिफिकेशन, मींस उसको साइलेंट तो कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये ना हो कि मुझे फ़ोन देखना है. और जब मेरा मानना ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप अपने फ़ोन को प्लीज़ दूर रख दीजिए, क्योंकि जब हमारी उस पर नज़र पड़ती है तो हमारा मन करता है कि हम उसे चला लें.
इसीलिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ हमें अपने स्टडी पे फोकस करने के लिए एक हमारा डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर मतलब कि एक इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर एक इच्छा, एक डिज़ायर नहीं होगा, वो भी ऐसा डिज़ायर जो हमें पाना ही है, तब तक हम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आपका कोई गोल डिसाइड नहीं है तो आप उसे कीजिए, क्योंकि आपका माइंड पढ़ते वक्त सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। उस ये क्यों का आंसर हमें कहीं ना कहीं से ढूंढना है कि क्यों हम इस पढ़ाई को कर रहे हैं। इसके पीछे कोई रीज़न होगा जिस वजह से हम इस पढ़ाई को कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर आ जाता है तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में फोकस पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरी चीज़ हमारी होती है फोकस। हमें फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। फोकस के साथ कैसे, मतलब कि जब आप पढ़ रहे हैं आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को पढ़ा के इसको कंप्लीट करना है, यानी कि आप रो के पढ़ रहे हैं। अगर आप रो के पढ़ेंगे तो आप कभी भी अपने फ्यूचर में सक्सेस पा नहीं सकते हैं। आपको उस शिद्दत के साथ पढ़ना है, जैसे कि हमें कोई भी हमें चीज़ चाहिए होती है। मान लीजिए कोई आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि बच्चा है उसको टॉय चाहिए होता है। स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ियों को ये होता है कि हमारी 12th क्लियर होगी और हमें मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। तो वो आपका एक डिज़ायर है, उसके लिए आप मेहनत करते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो उनके मुंह से यही निकलता है कि 12th क्लियर होने के बाद मेरे को मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, इसीलिए मैं अभी अपनी 12th में फोकस कर रहा हूँ। तो फोकस आप पढ़ाई पे नहीं, आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के लिए आप अपनी 12th क्लास को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए आपका पढ़ाई से रिलेट करके, कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिस दिन आपको वो रीज़न पता चल जाएगा, डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे। आपको रोते रोते नहीं पढ़ना है, बल्कि हंसते हंसते पढ़ना है। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, वहीं पे छोड़ के नहीं रखना है। सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार वो ज़रूर सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। क्योंकि कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, और एटलीस्ट अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। एटलीस्ट आप किसी को बोल तो सकते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतना सब कर रखा है। सो आपको अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और पढ़ाई को करना है। पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, किसी और चीज़ पे नहीं। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। हमारे पास तीन चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। आपको हमेशा अपने गोल को याद रखना है, चाहे आप कहीं पर भी हैं। पढ़ते वक्त तो रखना ही रखना है, लेकिन अगर आप फ़ोन यूज़ करें तभी भी आपको रखना है कि नहीं, मैं अगर फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो मेरा इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट चला जाएगा। अधिकतर यही करते हैं लोग, 90% लोग यही करते हैं। सुबह उठते हैं और उठने के बाद 99% लोग यही करते हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, सीधा अपना फ़ोन आँखों के सामने, सीधे फ़ोन। इससे आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सुबह ही फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन उठाने का मतलब ये नहीं है फ़ोन को मना करने का, कि आप फ़ोन में पढ़ाई ना करें। अगर आप कुछ पढ़ने की चीज़ फ़ोन में देख रहे हैं तो वो आपका बेस्ट होता है, उस चीज़ में वो आपका बेस्ट है। लेकिन अगर आप पढ़ाई की जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में, और फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने में, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके गोल से। आप दुनिया को कितना भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि मैंने ये चीज़ इसीलिए नहीं की, लेकिन आप अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं की थी। सभी को पता होता है, अगर किसी के कम परसेंट आते तो उनको भी पता होता है। वो दुनिया वालों को बोल देते हैं कि ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं था। मैंने मोस्टली बच्चों के मुँह से सुना है ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं था, या फिर मैं क्लास में अटेंटिव रहती थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी कमी रह गई। हम एक्टिव थे, हम पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर ने एग्ज़ाम ही इतना हार्ड बना दिया कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका डिज़ायर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पानी है, किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको वाई का आंसर मिल जाता है तो उस दिन से आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और तीसरी चीज़, आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, और फोकस किस चीज़ पे करना है, पढ़ाई पे करना है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।